हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जाति क्षेत्र और मजहब के आधार पर नहीं हो रहा है विकास कार्य, गरीबों का हो रहा है विकास। सीएम योगी ने किया नगर पंचायत कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल के कार्यालय भवन का भूमि पूजन, 35,67,90,000 की योजनाओं की दी सौगात। कहा, गांव, गरीब और महिलाओं के विकास के लिए कार्य कर रही है सरकार। 1,207 लोगों को मिलेगा पीएम आवास। बास गांव गगा थाना क्षेत्र में दो अलग अलग ग्राहक सेवा केंद्र पर बदमाशों ने बोला धावा, स्थानीय लोगों ने लुटेरों को पकड़ कर की पिटाई। घायल अवस्था में क्राइम ब्रांच ने बदमाशों को पहुंचाया अस्पताल। घटना के तफ्तीश में जुटी पुलिस। स्वर्गीय परमानंद शाह व उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय ओम लता देवी शाह की स्मृति में सीएम योगी ने असहाय को किया कंबल का वितरण। सीएम योगी ने कहा, दान से जुड़े हैं हमारे धर्म और संस्कार। पूर्वांचल छात्र सम्मेलन में शिरकत करने आए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता तनुज पूनिया ने कहा, राम मंदिर पर पार्टी की राय है न्यूट्रल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बने राम मंदिर, लोकसभा चुनाव में टूटेगा 2009 का रिकॉर्ड, अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है पार्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की खिचड़ी मेले एवं गोरखपुर महोत्सव तैयारियों की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मियां साहब इस्लामी इंटर कॉलेज में आयोजित हुई इंस्पायर अवार्ड मानक योजना विज्ञान प्रदर्शनी, 54 स्कूलों के उपस्थित 99 छात्र छात्राओं ने दिखाया हुनर। मीठे जल में सीप से मोती का उत्पादन रहा आकर्षण का केंद्र। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के तत्वाधान में आयोजित हुआ पूर्वांचल छात्र सम्मेलन, देश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए युवाओं का किया गया आह्वान। राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में निकाली गई राष्ट्र रक्षा संकल्प यात्रा का हुआ समापन। और फोर्थ अक्की कप अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में डोना क्रिकेट एकेडमी की रॉयल उद्यांश क्रिकेट क्लब पर 8 रन से जीत।